15 मिनट दिए जाते हैं, 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए होते हैं, और वहीं पर दोस्तों जो 15 मिनट होते हैं आपको समय दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। पूर्णांक दोस्तों कुल 70 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर आपको स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी योग्यता के अनुसार, ठीक। हालांकि आपको पेपर हल करने पर आपको 70 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं सभी प्रश्न अनिवार्य होगा, पेपर 2 खंडों में होता है, क और ख में, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों एक एक करके हम लोग क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे, 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। ये दोस्तों फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की बात करें, दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों दीपदान यदि एकांकी के लेखक का नाम की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार सवर्मा थे। दीपदान एकांकी के लेखक के नाम की बात करें दोस्तों तो डॉक्टर राम कुमार शर्मा को जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवारा मसीहा किस विद्या पर आधारित रचना है। दोस्तों यदि बात करें आवारा मसीहा किस विद्या पर आधारित रचना है तो आवारा मसीहा जीवनी विद्या पर आधारित रचना होती है, ठीक। किस पर दोस्तों, आवारा मसीहा किस विद्या पर आधारित रचना है, आवारा मसीहा जीवनी विद्या पर आधारित रचना होती है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा, उसने कहा था किसकी रचना है, उसने कहा था किसकी रचना है, कहानी इंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक, कहानी इंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, तो दोस्तों यदि बात करें सरस्वती पत्रिका युग की किस में किस युग में प्रकाशित हुई थी, द्विवेदी युग में, ठीक। सरस्वती दोस्तों जो पत्रिका थी किस युग में, द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। दोस्तों यदि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की बात करें उनकी रचना थी जैसे अजंता एलोरा, तो अजंता इनका सबसे महत्वपूर्ण रचना थी, ठीक। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्याग पत्र किसने लिखा था। दोस्तों यदि बात करें त्याग पत्र की तो जैनेन्द्र कुमार लिखे थे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। दोस्तों यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना की यदि उल्लेख की बात करें तो घुमक्कड़ शास्त्र है, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो दोस्तों ये आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्या भूलू क्या याद करूं किस साहित्य की आत्मकथा है। वाह क्या कितना बढ़िया शब्द है दोस्तों, क्या भूलू क्या याद करूं किस साहित्यकार की आत्मकथा है, दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की। तो देखिए देख पा रहे हैं आप दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जो थे ये अमिताभ बच्चन के पिता थे। क्या भूलू की याद करूं, तो इनके बहुत अच्छा रचना किए थे हरिवंश राय बच्चन जी। दोस्तों अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बाद हम लोग अगले नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर, धन्यवाद।